वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू सल्लातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व असहाबिक या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिक या सय्यदी या नूर अल्लाह सल्लातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअ अल मुज़रिबीन व अला आलिका व असहाबिक या सय्यदी या रहमतल आलमीन या खातम अल नबियीन। जैसा कि आपके सामने मैं मुख्तलिफ मौजू के अपना होश गुजार करता रहता हूँ, आज से मैं मौलाना हज़रत मौलाना रूमी अलैह रहमा की शोरा आफाक किताब मसनवी शरीफ से मुंतखब दिलचस्प और सबक आमोज हकायात आपके सामने पेश करूँगा अल्लाह के वली की। आप इसको ज़रूर सुने और इस पे अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता हो। हकायत नंबर एक, खुदा और एक फलसफी, अल्लाह यानी अल्लाह अज़्ज़वजल और एक फलसफी। एक कारी बुलंद आवाज से कुरान हकीम की इस आयत की तिलावत कर रहा था, उन्होंने फरमाया अपनी मसरी शरीफ में मौलाना रूम ने कि एक कारी एक अपनी आवाज़ में ना ये कुरान मजीद की एक ये आयत तलावत कर रहा था, कुल अरायतुम इन असबा असबा माकुम गौरा फमय्यातिकुम बिमाइन माइन सूरह मुल्क। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि भला देखो तो ये तुम्हारा पानी खुश्क हो जाए तो फिर कौन है जो तुम्हारे लिए पानी के चश्मे जारी कर दे। एक फलसफी ने जब इस आयत को सुना तो बड़ी हकारत के साथ मुस्कुराने लगा और बोला कि वो दिन गुजर गए, जैसे आज कहते हैं ना जी वो दिन नहीं है, वो पुराने वो थे, नहीं, अल्लाह का कुरान जो कह रहा है ता क्यामत सुबह क्यामत जारी और सारी रहेगा, हक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान हक है। तो उसने दुनियादार ने फलसफी ने मुस्कुराने लगा और बोला कि वो दिन गुजर गए जब इंसान पानी के लिए तरस जाया करते थे। ये दौर साइंस और फलसफा का है, अगर पानी खुश हो जाए तो क्या गम है, हम ट्यूबवेल लगाकर ज़मीन की पाताल से भी पानी निकाल सकते हैं। रात को सोया तो फलसफी ने जवाब में, रात को जब सोया तो फलसफी ने ख्वाब में, ख्वाब उसको आया, मैं एक बुज़ुर्ग को देखा, बुज़ुर्ग ने फलसफी को इस जोर का थप्पड़ मारा कि उसकी आंखों से नूर के कतरे बह गए और वो अंधा हो गया। ख्वाब में एक मुहिब आवाज़ आई, अगर तू सच्चा है तो आंख के चश्मे में भी पानी लाकर दिखा। फलसफी सुबह बेदार हुआ तो ख्वाब का माजरा हकीकत बन गया, बसीरत से तो पहले ही महरूम था, अब बसारत से भी हाथ धो बैठा। बदबख्त की आंख पर फलसफा ने पर्दा डाल रखा था, उसे तौबा करने की भी तौफीक ना हो सकी, वरना अब भी बारगाह खुदाबंदी में गिड़गड़ा कर दुआ करता तो क्या बईद था कि अल्लाह अज़्ज़ वजल के ज़रिए रहमत में जोश आ जाता और उनकी आंखों का नूर वापस आ जाता। इससे हमें सबक ये बताते हैं, वो ऐसा फलसफा और साइंसदान जो इंसान को खुदा से टकराने लगे इंसान के लिए सरासर हलाकत और तबाही का बाइस है। माना कि आजकल इंसान ने फलसफा और साइंस में बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन ये तरक्की भी खुदा ही की अल्लाह अज़्ज़ वजल की अता करदा है। इस्लाम का ये सबक है कि खुदा दाद अकल से इसके इनामात की तलाश करो, ज़मीन के ख़जाने निकालो, खला में राकट उछालो, लेकिन इसे बहरहाल खुदा ही का काम करम समझो और इसकी बेपनाह कुदरतों का एतराफ़ करो। कारून को अल्लाह अज़्ज़ वजल ने इतना ख़जाना दिया कि जिसकी कुंजियाँ एक ज़ोर आवर जमात पर भारी थीं, लेकिन जब उससे कहा गया कि इस कसरत माल पर इतरा नहीं,
और इस माल से आखिरत का घर तलब कर, और जैसा अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने तुम पर एहसान किया तू भी एहसान कर और ज़मीन पर फसाद ना कर। तो कहने लगा, बोला ये तो मुझे इलम है, इलम से मिला है जो कुछ मेरे पास है, यानी सारा माल तो मैंने अपने इलम से हासिल किया है, अल्लाह अज़्ज़ व जल का इसमें क्या दखल। माज़ल्लाह, इसके तकब्बुर का नतीजा ये निकला। तर्जमा, तो हमने इसे इसके घर को ज़मीन में धसा दिया। क़ारून अल्लाह अज़्ज़ व जल को भूला तो उसकी तरक्की उसे ले डूबी। फिरौन को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इतनी बड़ी सल्तनत दी मगर वो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की इताअत को भूल गया और कमबख्त खुद ही अल्लाह अज़्ज़ व जल बन बैठा और लोगों से कहने लगा, लोगों मेरे सिवा तुम्हारा कोई अल्लाह अज़्ज़ व जल है नहीं, माज़ल्लाह। फिर हामान से कहने लगा, गारा बनाकर ईंटें पकाओ और ईंटों से एक बहुत ऊंचा घर बनाओ। तर्जमा, शायद मैं मूसा के खुदा को झांका हूं और मेरे गुमान में तो मूसा झूठा है, माज़ल्लाह। फिरौन ने खला में झांकने के लिए गोया रागर तैयार किया और ऊपर जाकर कहा, कोई खुदा नहीं। इसके इस तकब्बुर का नतीजा ये निकला। तर्जमा, तो हमने उसे उसके लश्कर को पकड़ कर दरिया में फेंक दिया। कुरान पाक के इरशाद के मुताबिक आज भी जो राकर पर सवार होकर खलाबाज चांद तक पहुंचने के मदई हैं, इनकी वापसी के मुताबिक पानी ही में होती है और वापसी से पहले ही ऐलान होने लगता है कि खलाबाजों का राकट बहर ओकनूस में गिरेगा, इसलिए इन्हें बचाने के लिए वहाँ बहरी जहाज भेज दिए जाते हैं। देखिए ये फिरौनियत क्या रंग लाती है। अल्लाह ताला अज़्ज़वजल चाहे तो किसी को ज़मीन में धकेल दे, चाहे तो किसी को समंदर में गर्क कर दे, चाहे तो खला ही में मार डाले, जैसे कि रूस के खलाबाज मारे गए थे। साइंस से काम लो मगर अल्लाह की बेपनाह ताकत व कुदरत को ना भूलो, वरना जो हशर उस फलसफे का हुआ था कि उम्र भर के लिए अंधा हो गया और इसकी साइंस के सारे आलात बेकार पड़े रहे। इस तरह आज भी अल्लाह अज़्ज़वजल अगर चाहता है तो इसके सारे इंतजाम होने के बावजूद हवाई जहाज़ों को अगर को गिराकर साइंस दानों को तबाह हलाक कर देता है, हत्ता के इनकी लाशों का भी निशान मिटा देता है। ये इंतजामात बावजूद होने के बावजूद हवाई जहाज़ों को गिराकर साइंसदानों को तबाह हलाक कर देता है, हत्ता के इनकी लाशों का भी निशान मिटा देता है। बहरी जहाज़ों को पानी में गर्क करके साइंस की दरियां बखेर देता है। खूब याद रखिए, साइंस किसी चीज़ की मौजूद नहीं, बस जिस है ईजाद खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल करता है और इस ईजाद की तलाश साइंस करती है, लेकिन आज कल लोगों ने साइंस को मौजूद समझ लिया है। पानी का खालक खुदा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल है, और साइंस के आलात उस पानी की तलाश के करके उसे पा लेते हैं। अगर कोई फलसफी अपने आलात के बायस ये कहे कि मेरे पास आलात हैं, मैं इनके इन आलात से पानी हासिल कर लूँगा, तो गोया उसे मौजूद होने का दावा है, हालांकि मौजूद खुदा अल्लाह अज़्ज़ व जल है। वो चाहे तो ज़मीन में पानी पैदा करे, चाहे तो ना करे, उसने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपनी कुदरतों का ज़हूर करके दिखाया है कि अपनी साइंस पर नाज करने वालों, मौजूद मैं हूँ। अगर चाहो तो मैं अपने महबूब की उंगलियों से दरिया बहा दूँ, और अगर चाहूँ तो तुम्हारे आलात साइंस के बावजूद तुम्हें एक कतरा पानी का भी मिल ना पाए, पानी का एक कतरा भी पानी का भी ना पाने दूँ। चाहूँ
तो सारी आंखों में कतरा नूर पैदा करके तुम्हारी चश्म को चश्मा नूर बना दूं, चाहूं तो इस चश्मा को हुशक करके तुम्हें अंधा कर दूं। बहरहाल फलसफा और साइंस पर नज़र ना रखो, खाली के साइंस पर नज़र रखो, इन आर्जी कामयाबियों पर अतराओ नहीं। अल्लाह अज़्ज़ वजल अगर ढील देता है तो उसका ये मानी नहीं कि तुम अब आज़ाद हो, नहीं, बल्कि तुम हर वक्त उसके कब्जा में हो, जब चाहे तुम्हें अंधा कर दे और मार डाले। मछली ने ढील पाई है, लुकमा पे शाद है, सियाद मुतमईन है कि कांटा निकल गई, साइंसदान खुश हैं कि हम चांद पर जा पहुंचे, मगर उन्हें ये खबर नहीं कि मौत का कांटा हर वक्त उनके साथ है। मछली कांटा निकल कर लाख दौड़े, मगर शिकारी उसकी दौड़ पर यही कहेगा कि दौड़ो दौड़ लो, कांटा तो तुम निकल चुकी हो, और दौड़ो मेरे हाथ में है, और डोर मेरे हाथ में है। जब जिस वक्त भी मैंने झटका दिया आओगी तुम मेरे पास ही। तो ऐ फलसफियो और ऐ दुनियादारो, ऐ साइंसदानों, मौत का कांटा तुम सब निकल चुके हो, चांद से भी परे भाग कर देख लो कि जिंदगी की दौड़ तो अल्लाह अज़्ज़वजल के हाथ में है। जिस वक्त भी मौत का झटका आया, जाना तुमने ही अल्लाह अज़्ज़वजल ही के पास है। अलगर्ज ऐसी बेबुनियाद बातों से पर ना फूल, ऐसी बेबुनियाद बातों पर ना फूल, खालिक साइंस को हरगिज ना भूल। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल, इस हकाए से हमें ये सबक मिला है कि हमें अल्लाह अज़्ज़ वजल को ही खालक मानना चाहिए। जो कुछ भी चरिंद परिंद, जो कुछ भी पानी हवा, हर चीज़ अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है, उसी ने बनाई है, वही सब कुछ करने वाला है। तो दुनियादारी अगर जितना मर्ज़ी तरीम हासिल कर लें, जो मर्ज़ी चले जाएँ, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमा दिया, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी कर दिया, लोग चाँद पे जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के दो टुकड़े करके हाँ जी ज़मीन पे फेंक दिए, हाँ जी, तो फिर जोड़ के भी फिर दोबारा ऊपर चले गए। ये है अल्लाह की वहदानियत। अल्लाह ताला हमें हक सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए, हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ वजल को ही, उसी की रहमतें बरकतें मानने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।